सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपया वो किसका पैसा था? वो आपका पैसा था। अमेठी के, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के युवाओं का पैसा था, बाकी प्रदेशों के युवाओं का पैसा था। ये लोग 15-20 लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं और फिर नरेंद्र मोदी जी इनका कर्जा माफ करते हैं। आपने विजय माल्य का नाम सुना है? नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? नीरव चौकसी का, मेहुल चौकसी का नाम सुना है? अनिल अंबानी का नाम सुना है? पूरे देश में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक मनरेगा, एक साल के मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी के हवाले कर दिया। वो 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। राफाल मामले में पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बनाती है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। हर युद्ध में एक शहर का हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा करता है, चाहे वो मिग हवाई जहाज हो, सुखोई हवाई जहाज हो, मिराज हवाई जहाज हो। यूपीए सरकार ने एयरफोर्स के लिए 126 हवाई जहाज खरीदने की बात की, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का दाम था। फ्रांस की कंपनी के साथ सौदा हो रहा था। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते नहीं, 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनाया जाएगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे और हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी फ्रांस आए, नरेंद्र मोदी उससे मिले और नरेंद्र मोदी जी ने हॉलैंड से कहा कि देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की एयरफोर्स को हवाई जहाज बेचना चाहते हो तो आप एचएएल को परे करो और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो। हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री पर्रिकर कहता है कि हमें नई डील के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिना एयरफोर्स से पूछे, बिना रक्षा मंत्रालय से पूछे, अकेले नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन लिया। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा और भाई और बहनों 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जेब में डाले और फिर पूरे जिले के ढूंढते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूं। सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो जांच करूंगा, चौकीदार ने चोरी की मैं तो जांच करके ही छोड़ूंगा। भाइयों बहनों, युवाओं, ये बजे रात को नरेंद्र मोदी ऑर्डर लिखते हैं, कहते हैं सीबीआई डायरेक्टर को निकालो, उसका ऑफिस सील कर दिया जाता है और उसको 13 बजे रात को निकाला जाता है। मोदी जी ने खुलेआम दिन में चोरी की और जो कार्रवाई करने जा रहा है उसको 13 बजे रात को निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इसको गलत निकाला गया है, इसको वापस सीबीआई का डायरेक्टर बनाओ, फिर से सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाता है और 2 घंटे के अंदर खाड़ी जी को नोट आ जाता है कि भैया सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की बात है, मीटिंग में आप आ जाइए।
चौकीदार और पूरा देश ये शहर युवा समझ गया है। छोटे दुकानदारों से पूछो वो आपको बताएंगे नोटबंदी से बड़ा इस देश की हिस्ट्री में इतिहास में घोटाला नहीं हुआ है। आप सबको लाइन में खड़ा किया, यहां पे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो घरे के सामने नहीं खड़ा मिला। बारिश में धूप में आप सब खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस लाइन में क्या अनिल अंबानी खड़ा था, क्या नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था? हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी खबर खड़े काले धनों पर खड़ा था। ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं जिन्होंने अपना कुछ थोड़ा सा पैसा बचा के रखा था, ये सब लाइन में खड़े हुए। आपके जेब में से पैसा निकाला गया, नरेंद्र मोदी ने निकाला, आपको कष्ट हुआ, और वही पैसा डायरेक्ट नीरव मोदी की जेब में, अनिल अंबानी की जेब में। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा माफ हुआ भाई और बहनों, वो आपका पैसा था। जीएसटी लाए, हमने कहा था एक जीएसटी होनी चाहिए, 5 अलग अलग जीएसटी नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं दलाली करनी थी इसको, 5 अलग अलग जीएसटी लगाई। छोटे बिजनेस वालों, मिडिल साइज बिजनेस वालों पर, दुकानदारों पर, टैक्स वालों पर, हिंदुस्तान का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर की धनिया वाला खत्म कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सब जो छोटी दुकानें हैं, ये सब जो छोटा धंधा करते हैं, ये सब खत्म हो जाए, ये सब नौकर बन जाए। ये चाहते हैं कि आप सब लोग अनिल अंबानी के लिए काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम करो, आपको अपने कल का पता ना लगे। एक दिन में आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। हिन्दुस्तान की सच्चाई सुनो, चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। यह आप फोन पकड़े होते मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, पुलिस वाले की टोपी के नीचे देखो मेड इन चाइना। फौजी के पीछे देखो मेड इन चाइना। 50,000 युवाओं को हर 24 घंटे में चाइना की सरकार रोजगार देती है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने 4.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ा है भाई और बहनों। 24 घंटे में हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। ये 450 युवा यहां खड़े हैं, सिर्फ इनको 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है। बाकी लोगों ने जाने पूछो क्या करते हो, कहते थे यह कुछ नहीं करते, क्या करते हो कुछ नहीं करते, क्या करते हो कुछ नहीं करते, और जहां जाते नफरत बढ़ाते। पंजाब में जाएंगे हिंदू अधिक बढ़ाएंगे, हरियाणा जाएंगे जाट मान जात को बढ़ा देंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे कहेंगे भैया यहां पर उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को नहीं आना है, गुजरात में मार मार के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हरा के हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जला दी, असम को जला दिया, बाकी नॉर्थ ईस्ट को खत्म कर दिया, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को लड़ा देंगे, मगर कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको साफ बताना चाहता हूं इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता है, इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है, और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत, जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी, क्रोध की भावना का चिन्ह है नरेंद्र मोदी। और 2019 में हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जा रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अमेठी रायबरेली को लोगों को मालूम होना चाहिए, 6 हाईवे बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे अमेठी रायबरेली, नेशनल का प्रोजेक्ट आना, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, फूड पार्क, रेलवे लाइन, नेशनल पेपर मिल, नेशनल पेपर मिल को किसने बंद किया? मोदी मोदी
चोरी किया, तुमने हमसे ट्रिपल आईडी क्यों चोरी किया, तुमने हमसे रेलवे लाइन क्यों चोरी की, तुमने हमसे फूड पार्क क्यों छीना, क्योंकि चौकीदार चोर है, गली गली में चोर है, चौकीदार ये सच्चाई है। देखिए देश के सामने दो समस्याएं हैं, युवाओं को रोजगार देने का और दूसरा किसानों की रक्षा करने का। और मैं आपको गारंटी कह के कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पहला काम किसान की रक्षा और दूसरा काम युवाओं को रोजगार देने का। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, आप सुनिए, काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगेगा, जहां किसान आलू उगाता है वहां उसके खेत के पास आलू के चिप्स बनाने का कारखाना, जहां टमाटर उगता है वहां खेत के पास टमाटर केचप बनाने वाली फैक्ट्री, जहां सोयाबीन उगता है खेत के पास सोयाबीन के तेल बनाने की फैक्ट्री। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ख्याल बिठा रहे और आप देखना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है और मैंने उनको ये काम दिया है। आज अगर आप हिंदुस्तान में जाएं और किसी भी प्रदेश में पूछे कि भैया हिंदुस्तान को भोजन कौन खिलाता है, आपको जवाब मिलेगा पंजाब खिलाता है, सही बात, हरियाणा खिलाता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाना, जब आप ये सवाल पूछोगे देश को कौन भोजन खिलाता है, आपको जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भोजन खिलाते हैं। और यही काम हम उत्तर प्रदेश में जाना करने जा रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में प्रियंका और सिंधिया जी को मैंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, इनको मैंने एक लक्ष्य दिया है। मैंने इनसे कहा देखिए उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, हम यहां से बीजेपी को हराने आए हैं, मिटाने आए हैं। और क्या हो गया उनमें, देखिए मैं बीजेपी मुक्त भारत कभी नहीं कहूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, उनकी विचारधारा है, ठीक बात है, आप अपनी विचारधारा रखो मगर हम आपको चुनाव में आए और हम नफरत से बात नहीं करते, इज्जत से बात करते। और मैंने साफ बोला मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी के का मैं आग्रह करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जगह बनानी है और हमारी जो विचारधारा है उसकी हम लड़ाई करेंगे। और चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, कहीं भी कांग्रेस पार्टी कब लगातार छापा मारे करेगी। और मैं आपको कहना देख लेना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी,